self inductance of solenoid we can derive similar to that of solenoid. तो पहली इक्वेशन क्या थी, फाई की दोनों इक्वेशन लिखेंगे, फाई इक्वल टू एल आई आल्सो इक्वल टू एन डी ए. ओके, एल आई इक्वल टू एन. सोलेनाइड की फील्ड कितनी है, टोराइड की फील्ड कितनी है, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन लेंथ, लेंथ विल बी टू पाई आर, आर विल बी मीन रेडियस. I gets cancelled. क्या जाएगा आंसर, आर मीन रेडियस हो जाएगी. ठीक है, वहां पर एल है ना, ऊपर उसमें एल था, ये भी लेंथ ही हुई रॉड टॉराइड की. Circumference is the length of the toroid similar to the solenoid. Usme L hai, yahan pe 2 pi r. Okay, this was the first one. Iska kya answer aaya, boliye. Initially, just after switching on, switch on करते हैं, switch is closed. जहाँ पे इंडक्टर वहाँ गैप दिखाना, ये गैप हो गया, यहाँ पर गैप हो गया, यहाँ पर गैप हो गया, इसमें तो जीरो हो जाएगा. एक ही लूप दिख रहा है, इसमें ये वाला लूप में नहीं आएगा करंट, बट इसमें चलेगा करंट. इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर. इसका इनफाइनाइट हो गया, इसका आर हो गया, इसका इसमें ये वाला फर्स्ट लूप में जाएगा, इसका टू आर. तो सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में कितना है करंट, आई वन इज इंफिनिटिव, आई टू विल बी वी बाय आर, आई थ्री विल बी वी बाय टू आर. मैक्सिमम किस में है, टू में, देन थ्री, देन वन. वन में जीरो ये ओपन सर्किट है. क्लियर आया था ये आंसर. सेकंड में बताइए, सेकंड पार्ट, लॉन्ग टाइम लेटर. लॉन्ग टाइम लेटर मीन्स एट स्टडी स्टेट, जब सेटल हो गया करंट, पीक वैल्यू पर पहुंच गया, उस समय क्या सिचुएशन होती, इंडक्टर को कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस करना है, जीरो रेजिस्टेंस के कनेक्टर. यहाँ पे ये रिप्लेस हुआ, यहाँ पर ये रिप्लेस हुआ, यहाँ पर ये रिप्लेस हुआ. तो फर्स्ट वन में कितना करंट होगा, अभी फर्स्ट केस में करंट कितना होगा, V by 2R. V by 2R. सेकंड केस में टू वी बाय आर, तो आर बाय टू है ना, टू ऊपर आ जाएगा. थर्ड में वी बाय टू आर, थर्ड में बोलिए, थर्ड में हाउ मच इज द करंट, वी बाय टू आर. No. V by R. V by R how? I3 will be V by R. ये zero resistance है, इधर सारा current इधर से निकल जाएगा, इसमें आएगा ही नहीं. वैसे भी zero and R का जो net resistance होता है वो जीरो ही आता है, इसको सिंपल कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस करना पड़ेगा, दोनों हटा के ऐसा ये हट जाएगा, यहाँ पे सिंपल कनेक्टिंग वायर आ जाएगा. कल देखा था हम लोगों ने ऐसे सिचुएशन, तो आई वन विल बी वी बाई टू आर, इसमें दोनों रेजिस्टेंस का रोल होगा, बिकॉज नो अदर पाथ टू गो,
इसमें इस करंट के बाद ये ऑप्शन लेगा, है ना, जीरो रेजिस्टेंस के पाथ से जाएगा। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी भी वही है, जहां से कम रेजिस्टेंस मिलेगा उधर ही जाएंगे, इसमें जीरो रेजिस्टेंस मिलेगा, पूरा का पूरा करंट इधर चला जाएगा। ऑल राइट, आई वन आई टू आई थ्री लिखो, फिर देखो कौन सा मैक्सिमम है। कैन यू सी इट, v by 2r then 2v by r then v by r, so maximum is 2 then 3 then 1, same sequence are isme, or this particular diagram same hai, kuch aur changes hoge to zaruri nahi first and second same hai, but is case mein same hai, same sequence hai, got it? So this can be useful question, important question है। Initial and final state की question board में भी आ सकते हैं, NEET में भी, JEE में, but JEE में intermediate state के भी question आते हैं, after few seconds है ना, after one time constant, after two time constant ऐसा, that we have to see separately। Equation, current की equation मिल जाए तो उससे निकाल सकते हैं, ये दोनों कंडीशन भी आ जाएंगे, इनिशियल एंड फाइनल, इंटरमीडिएट कंडीशन भी आएगी, फिर चौफला से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑल राइट, दिस इज डन। यस सर, नोट कर लो इसको। चलो Thank you, sir. Okay, now next one was this one. इससे कितना है बोलिए? First case में same thing again. Make the gap wherever inductors are there initially. यहाँ पर gap हो जाएगा और यहाँ पर gap हो जाएगा, तो ऐसा circuit आएगा। तो इसमें कितने नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका? इसका तो रोल खत्म हो गया, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा करंट, बचे ये दोनों पैरेलल में है, आर बाय टू हो गया इसका, तो आई विल बी टू वी बाय आर। ठीक है, सेकेंड केस में जब स्टडी स्टेट आ गया, लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज, आफ्टर द स्विच इज क्लोज, यहाँ पे स्विच नहीं दिखाया, और आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, इट विल बी क्या करना, सेम मेथड जो ऊपर किया था हमने, After long time, what you have to do? Initially capacitor में inductor का उल्टा होता है, यहाँ पे ऐसे connecting wire आ गए, long time after यहाँ पे zero resistance की connecting wire, यहाँ पर भी capacitor block कर देगा, capacitor में gap हो गया। Now these three resistances are in parallel now. R by three हो जाएगा इसका, R net will be R by three. क्या आंसर आएगा फिर? 3v by r, 3v by r। इंडक्टर एंड कैपेसिटर में अपोजिट चलता है, जब इंडक्टर में इनिशियली गैप करना है तो कैपेसिटर में नहीं करना, कनेक्टिंग वायर से जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, फाइनली जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो वहां पे गैप हो जाए, वहां पे फिर करंट फ्लो बंद हो जाता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है।
सारा करंट इसमें से जाएगा, और ये इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होता है तो इंडक्टर अपने काम बंद कर देते हैं। फाइनली जब इनिशियल पीक वैल्यू पे पहुंच गया करंट, नो चेंज ऑफ फ्लक्स, नो इंडक्टेंस ऑफर, नो अपोजिशन, नो इनर्शिया, नो रोल ऑफ इंडक्टर, क्लियर? यस सर। तो ये क्वेश्चन भी यूजफुल हो सकता है। ओके देन, यू सी नेक्स्ट वन। ये आ गया था, इसमें आपका इसमें डिपेंड करेगी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो क्या इसमें आ रहा है। एनर्जी डेंसिटी में फील्ड का फॉर्मूला भी लिख लो। तो भैया आ गया, कैन यू सी, फील्ड इज म्यू नॉट एन, एन जो है यहाँ पर ये डबल हो जाएगा, आई सेम रहेगा तो फोर टाइम्स हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में करंट डबल है वो भी स्क्वायर में, ये भी फोर टाइम्स। थर्ड केस में दोनों सिंगल है तो ये सेम रहेगा, वन रहेगा। एक मिनट को गड़बड़ हो गई क्या, आई, हाँ आई भी तो उसी में। तो आंसर होगा ए बी टाई फोर टाइम्स एंड सी सेम रहेगा ना, नो चेंज। तो ए बी सी, तो आंसर आएगा ए बी टाई एंड देन सी। ठीक है, समझ में? ए बी जो है फोर टाइम्स हो रहे बिकॉज एक में, एक केस में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल है, एक में करंट डबल है, यहाँ पे टू आ जाएगा स्क्वायर होकर फोर टाइम्स, इसमें सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। Done? Yes, sir. Okay, इसके बाद ये series and parallel combination same as that of resistance. Now, mutual induction क्या होता है? Mutual induction पे कौन work करता है? Mutual induction होता है क्या पहले? फिर which devices are working on म्यूचुअल इंडक्शन? अपना मोबाइल चार्जर होता है ना, उसके अंदर दो कॉइल होते हैं, उसके अंदर दो कॉइल होते हैं, एक में से 220 वोल्ट आता है और दूसरे कॉइल में लेस देन 10 वोल्ट मिलता है हमें, तो दैट इज ऑब्टेन्ड। दोनों कॉइल अंदर जो होते हैं दे आर नॉट in contact at all, they are separated, they are insulated from each other, then also how come the voltage or energy is transferred to the second coil when both are insulated, dono insulated, aise gap hota hai, dekh rahe hain yahan par gap hai, gap nahi hai to insulated hai, ek ka live contact dusre ke sath hai nahi, phir bhi energy, phir bhi voltage transfer hota hai, yahan se 220 volt aaya, isme hame 10 volt, hum isko 10,000 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें कुछ और काम करना है, हाई वोल्टेज चाहिए तो उसको भी कर सकते हैं, है ना? सपोज आपको चेक करना है, इफ यू आर रनिंग द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, तो तुम्हें प्लग चेक करना है, ऑटोमोबाइल का प्लग, स्पार्क प्लग, तो तुम्हें हाई वोल्टेज चाहिए, 12,000 वोल्ट बनाना है इसको 220 को, है ना, मोर देन दैट, तो फिर तुम इसको दूसरे कॉइल को
नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लोगे। चार्जर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें जो प्राइमरी, इसको पहले वाले कॉइल को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे वाले को सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कम किया तो कम वोल्टेज, वोल्टेज इज गो डाउन, दैट्स व्हाट इज डन इन मोबाइल। तो ये जो फिनोमेना होती है इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। चेंजिंग फ्लक्स ऑफ वन विल बी लिंक टू द सेकेंड कॉइल, देन देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल एज पर द फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एंड इसमें सेल्फ इंडक्शन तो होता ही रहेगा, सेल्फ इंडक्शन विल नॉट गो एनीवेयर, दैट विल कंटिन्यू टू हैपन। लेकिन वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट कॉइल विल अंडरगो सेल्फ इंडक्शन आल्सो, इट विल, बट सेम टाइम इफ यू कीप द नियर बाई कॉइल उसमें भी इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ चेंजिंग फ्लक्स लिंक टू इट। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मीन्स दो लोगों के बीच का है ना, इट इज द स्टोरी बिटवीन टू। यहाँ पे दो कॉइल है तो एक सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को ओनली प्राइमरी वी राइट, सेकेंडरी कॉइल को सेकेंडरी वी राइट। एंड दिस फिनोमेना यू कैन सी इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स इन नियर बाय कॉइल लिंक टू इट। इसका चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ऐसे फ्लक्स लाइंस ऐसे जाएंगी। एक्चुअली क्या करते हैं, वन ओवर द अदर कर देते हैं, पूरा का पूरा फ्लक्स सेकंड कॉइल में लिंक हो जाता है ना। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा गैप दिखाया है, उतना ये ऐसा गैप रखने से इतना एफिशिएंट नहीं होता, बट सिंपलिसिटी के लिए वी आर शोइंग नियर बाय कॉइल। एंड दिस रोल, दिस ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आगे इसके बाद ट्रांसफार्मर आएगा तो उसका प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें दो कॉइल होते हैं, इवन आवर मोबाइल चार्जर इज हैविंग द ट्रांसफार्मर, छोटा स्टेप डाउन बोलते हैं, और पावर ट्रांसमिशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। दे विल इंक्रीज द वोल्टेज एंड सेंड द सप्लाई टू द सिटीज। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में लॉसेस कम होते हैं, बट ओनली थिंग डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एसी रहेगा बस। यहाँ पर हम लोगों ने डीसी लगाया है, डीसी में क्या होता, ओनली वंस यू विल सी द डिफ्लेक्शन। जब जिस समय स्विच ऑन करेंगे तब आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा, जिस समय स्विच ऑफ करेंगे देन यू कैन सी द डिफ्लेक्शन। एंड व्हेन वी पुट द एसी देन कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन विल बी देयर। एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज जो है इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, तो फिनोमेना विल टेक प्लेस कंटिन्यूअसली। बट जब बैटरी लगी हुई है ओनली वंस विल हैपन, जिसमें चेंजिंग यू आर प्रोड्यूसिंग द चेंजेस दैट टाइम यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस बोथ। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फार्मूले लिखे थे, फाई इज इक्वल टू एल आई, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू एम आई, एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सेम नाउ all the formulas will go parallel to the previous one, the symbol change ho jayega, current ek mein hoga, flux dusre mein hoga. Theek hai, to flux in secondary coil phi s is directly proportional to current in primary coil, because current se field banegi, field se flux banega, to directly proportional hai, aur directly proportional ka sign hata hai, to constant of proportionality is called m, mutual inductance बिटवीन बोथ द करंट्स। और अगर हमने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, एम बाहर आ जाएगा और आई अंदर आ जाएगा डी आई बाई डी टी। तो सिमिलर रिजल्ट, दूसरा फार्मूला भी वैसे ही था, क्या था वो, फाइव इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था। यहाँ पे एल की जगह एम आ जाएगा, माइनस भी रहेगा बाहर। So let's write second formula also by putting the value of phi in the Faraday's second law. Okay, can you see now? Okay, you see this? Yeah, induced EMF in the secondary coil is
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन इट, फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने माइनस एम एन डी आई डी आई बाई डी टी। तो आई पी प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में इंड्यूस ई एम एफ होगा, सो दैट्स व्हाट, एक यहाँ पे पी आएगा यहाँ पे ऐसा आएगा। तो एम इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, इट्स एसआई यूनिट विल रिमेन सेम, दैट्स हेनरी, हेनरी रहेगी। ओके ठीक है, यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट भी बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते सेम वेबर पर एम्पियर, या फिर यहाँ से बना सकते हैं। तो ऑल थ्री यूनिट्स यहाँ पे देखो, ऑल थ्री यूनिट्स जो कि वहां पे थी, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस विल हैव सेम यूनिट्स बिकॉज दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, अपोज द चेंज है ना, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। आ रहा समझ में? तो अभी अगर हमने इसको वन ले लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इज वन, तो एम विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। सो दैट्स हाउ द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कम्स, म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी इज वन एसआई यूनिट। अगर प्राइमरी कॉइल में अगर आप करंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं कितना, वन एम्पियर, कितने टाइम में, वन सेकंड में, तो इसमें सपोज आपका टू वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है ईएमएफ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी टू हेनरी, दैट्स हाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड बाय द सेकंड फार्मूला। यहां से भी कर सकते थे, एम इज इक्वल टू फाइव बाय आई, बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स इंड्यूस, फ्लक्स प्रोड्यूस और इंड्यूस, फ्लक्स लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से इफ यू डोंट वांट टू डिफाइन दिस फार्मूला, बेस्ट डेफिनेशन विल वर्क ऑलवेज। क्लियर? तो ये बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस के, सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमने डिफाइन किया था वैसे ही डेफिनेशन है, वैसे ही फार्मूले हैं। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? सेल्फ इंडक्टेंस में उसका खुद का ही करंट था, म्यूचुअल इंडक्टेंस में नियर बाय कॉइल का करंट होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी बिटवीन बोथ द कॉइल, दोनों के बीच की फिनोमेना है, और कुल मिला के इनर्शिया ही है ये, इट विल अपोज द चेंज, अपोज करता रहेगा, बट उसके फायदे बहुत है, है ना, हम बहुत हाई ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं सेकंड कॉइल में। जो हमने इग्निशन कॉइल की बात की थी ऑटोमोबाइल में, वैसे ही तो होता है, एक कॉइल बैटरी के 12 वोल्ट से कनेक्ट होगा, दूसरा कॉइल जो है विच विल हैव मेनी थाउजेंड नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल में मेनी थाउजेंड, जब इसको करंट को ऑन ऑफ करते या फिर किसी दूसरे टेक्निक से ब्रेक करते सर्किट को, यहाँ से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा 12,000 वोल्ट, दैट इज कनेक्टेड टू द प्लग, प्लग स्पार्क प्लग में कनेक्टेड होता है, यहाँ से हम 12,000 वोल्ट सप्लाई कर देते, दिस इज नथिंग बट इट इज दिस फिनोमेना इज टेकिंग प्लेस इन द ट्रांसफार्मर्स एंड इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल अपने कोर्स अपने उसमें नहीं है ऑटोमोबाइल का, बट ट्रांसफार्मर्स आर इन अवर कोर्स, तो वहां पे लिखेंगे हम दिस फिनोमेना के बारे में, प्रिंसिपल विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। Got this point, सब क्लियर हो गए? देखो चलो निकाल के देखते कितना कितना प्रोड्यूस हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 0.1 हेनरी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 0.1 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल में हमें कितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड यू शुड रिमेंबर द फार्मूला करेक्टली, फार्मूले में एम आएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आएगा, दोनों वैल्यूज दिए ऐसा यूनिट में पुट कर दो, विल गेट द आंसर
मैग्नीट्यूड माइनस माइनस के साथ आएगा, माइनस छोड़ सकते बाद में, या फिर यू कैन रिटेन इट। देखो 0.1 है, ये 0.1 एम्पियर पर माइक्रो सेकंड, माइक्रो 10^-6 है, तो ये ऊपर जाकर प्लस हो गया। एम की वैल्यू पुट कर दी, पुट कर दिया 10^4 मीन्स 10,000 वोल्ट मैग्नीट्यूड, उसके इतने मैग्नीट्यूड का इंड्यूस ईएमएफ सेकंड कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है। फर्स्ट कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेल्फ इंडक्टेंस से, दैट वी हैव डन इट, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकंड कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस पड़ रहा है तो उसी के ऊपर फोकस करेंगे। All right, यहाँ तक things are under control? Yes, sir. Not cool. फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट आल्सो, यू मे रिक्वायर इस टाइप के क्वेश्चन, यू मे कम अक्रॉस बिकॉज इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। ये देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट फार्मूले पे बेस है। देखो क्वेश्चन नंबर 9th है, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 in 0.5 second, what is the change of flux linked with the other? So flux ka formula phi is equal to mi. Agar current change ho raha hai, to flux bhi change ho jayega. So therefore, delta, yahan pe delta hai, ye delta phi. Ya phir do equation bana lo, to yahin pe change likh do, simple hai na. To put kar do change, final change means final minus initial. Final 20, initial 0 current tha. तो फ्लक्स चेंज विल बी 30 वेबर डायरेक्ट, ये ओनली थिंग यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में, है ना। अगर यू यूज लाइक दिस φ1 इज इक्वल टू एम आई वन, φ2 इज इक्वल टू एम आई टू, देयरफॉर माइनस कर दिया एम आई टू माइनस आई वन, ऐसे कर सकते या फिर डायरेक्ट कर सकते। इसमें अगर मैं बोलूं फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल में एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स आई मीन सेकंड लॉ से चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल था 0.5, तो उसे निकाल सकते 60 वोल्ट आएगा सेकंड कॉइल में, दिस कैन बी सेकंड पार्ट, है ना। इसमें पूछा नहीं है बट इट कैन बी डन, क्लियर। फर्स्ट पार्ट ही पूछा था, इट इज 30 वेबर इज द आंसर, और अगर सेकंड कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पूछिए तो दैट इज फैराडे सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स अपॉन टाइम, एवरेज में फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, तो 60 वोल्ट आ जाएगा, माइनस 60 तो उसको 60, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी बना सकते हैं इजीली, टाइम इंटरवल दिए हुए हैं, गॉट इट, नो प्रॉब्लम, नो सर। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनोइड का डिराइव किया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ऐसे ही इसका दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस हम डिराइव करने वाले, ऐसे रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के आ जाएंगे, एन स्क्वायर की जगह N1 इंटू N2 आ जाएगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टू कॉइल्स, तो कॉमन सेंस से उसी फार्मूले में चेंजेस करके हम सोच सकते हैं क्या होना चाहिए आंसर,
बाकी से एरिया रहेगा और नीचे लेंथ रहेगी। तो अपने कोर्स में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो टॉपिक है, दोनों सॉलिड है, कोएक्सियल है एंड सेम लेंथ के, लेंथ ऑफ लेंथ बीइंग सेम, ठीक है। तो दिस वी कैन डू इट, वी कैन जस्ट सी व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन बोथ द कॉइल्स। तो इंट्रोडक्शन में देखो, कंसीडर टू कोएक्सियल सॉलेनॉइड्स S1 एंड S2 ईच ऑफ द लेंथ L, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें N1 रहेंगे, इसमें N2 रहेंगे, है ना, एंड सो ऑन, ये पॉइंट्स लिख देना। करंट किस में भेजना है, पहले हम करंट जो है बिग कॉइल, बिग सॉलेनॉइड जिसका इसका सिंबल S2 है, उसमें करंट भेजो और दैट उसका जो फ्लक्स होगा इनर कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की फिनोमेना विल टेक प्लेस। इनी दोनों से सेम आएगा, इफ यू सप्लाई द करंट इन दिस और यू सप्लाई इन दिस, बोथ विल एंड रिजल्ट विल बी सेम, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला सेम आएगा। तो दोनों करना पड़ेगा, पहले इसमें भेजो करंट, इसकी जो फील्ड बनेगी B2 μ0 N2 I, तो वो लेंगे हम, ठीक है। तो वो लिखते फिर, लेट आई द करंट इन द बिग सॉलेनॉइड S2, इट्स फील्ड विल बी μ0 N2 I, ठीक है। नाउ फ्लक्स लिंकेज विद S1, ये जो फ्लक्स लिंकेज होगा क्या होगा, F phi is equal to phi 1 कर लेते उसको, एक तो फार्मूला आएगा M12 1 and 2 के बीच का इनटू करंट, और फ्लक्स का दूसरा फार्मूला आएगा N1 फील्ड सेकंड की और करंट एरिया ऑफ वन का, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे आई कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए डिराइव किया था, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ड्राइव किया था, वह सेम स्टेप है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पहले हमने phi is equal to li लिखा और phi का दूसरा फार्मूला लिखा NVA, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे M आ जाएगा और फर्स्ट कॉइल के लिए यहाँ पे N1 हो जाएगा, फील्ड किसकी है सेकेंड कॉइल की होगी और एरिया किसका फर्स्ट कॉइल का, बस ये सिंबल हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। फील्ड दूसरे सोर्स की है यहाँ पर, बस वो B2 रहेगा, बाकी सब वन का ही रहेगा। ऑल राइट, तो दो इक्वेशन लिख के इक्वेट करके निकाल लेते हैं। वन का हम फ्लक्स लिंकेज लिख रहे हैं, केवल फील्ड दूसरे की रहेगी, बाकी उसके टर्म्स रहेंगे सब। ठीक है, तो वन का फ्लक्स लिखते हैं, देखो फाइव वन म्यूचुअल इंडक्टेंस तो वन एंड टू के बीच M12 आ जाएगा, अभी दो कॉइल है उसको 1 2 लिखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। करंट जो है वो दूसरे कॉइल का है, यहाँ पर दूसरे कॉइल की वजह से तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, उसका फ्लक्स फर्स्ट में लिंक हो रहा है ना। नाउ M12 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। नाउ फ्लक्स लिंकेज का दूसरा फार्मूला NBA वाला, तो फर्स्ट कॉइल जो अंदर वाला है उसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 लिए हमने, फील्ड सेकंड कॉइल की है, एरिया फर्स्ट कॉइल का ही है, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स लिखे। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे अंदर वाले कॉइल में, उसका पर मीटर लेंथ में N1 है, तो कितने मीटर की लेंथ है, L है, तो ये फर्स्ट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। फील्ड सेकेंड की है μ0 N2 I, ये सेकेंड कॉइल का हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये फर्स्ट कॉइल की प्रॉपर्टी हो गई, ये सेकंड का हो गया, और ये फर्स्ट का एरिया क्रॉस सेक्शन पाई, फर्स्ट की रेडियस R1 लिए था, दिखाया, तो ये बस I कैंसिल हो जाएगा, इसका जो ये वैल्यू पुट कर देंगे इधर, I विल गेट कैंसिल, मतलब फ्लक्स के फार्मूले से I निकाल दो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाता है। तो देखो ये आ गया ना μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इनटू L। अगर तुम्हें L का फॉर्मूला याद है सेल्फ इंडक्टेंस का, क्या था वो, μ0 N स्क्वायर A इंटू L, ये था N स्क्वायर को हमने N1 इंटू N2 कर लिया। यहाँ पे अगर हमें M निकालना है तो N के चेंजेस, और बाकी तो सब सेम दिख रहा है हमें, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर होता है,
तो उसकी लाइंस पर ही बस नंबर ऑफ टर्न्स को ब्रेक करना है, एन वन एन टू लिखना है, बाकी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन वन एंड टू। अगर हम रिवर्स कर दें, करंट इसमें भेज दें, तभी भी सेम रिजल्ट आएगा। चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे हम टू वन लिख देंगे, करंट तो वही रहेगा, यहाँ पे टू के लिए फील्ड वन की हो जाएगी, ये टू का हो जाएगा। अभी तुम्हें डाउट आएगा, टू का तो एरिया मोर है, पाई आर वन स्क्वायर कैसे आ सकता है, पाई आर वन स्क्वायर कैसे आ सकता है, टू का तो एरिया मोर है, बट यही की पॉइंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ से जो फ्लक्स फील्ड लाइन निकलेंगी अंदर से ऐसे घूम के आती है, तो बड़े वाले कॉइल में भी इतना ही एरिया लिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अलॉन्ग द लेंथ फील्ड सब निकलेगी, दूर से टर्न होके आती हो, तो बड़ा कॉइल भी लेंगे तभी भी फ्लक्स एरिया इतना ही लेना पड़ता है, बिकॉज फील्ड लाइन्स आर टर्निंग फ्रॉम गोइंग अवे एंड देन रिटर्निंग अलॉन्ग द लेंथ इट इज नेगलिजिबल। तो ये होता है, तो देखते हैं सेकेंड कॉइल का करके देखते हैं। करंट फर्स्ट में भेजा, इफ करंट आई इज इन एस वन देन इट्स फील्ड विल बी यू नॉट एन वन आई एंड फ्लक्स लिंकेज इन टू फाई टू विल बी एम टू वन। यहाँ पे जब टू लिखते हैं तो सेकेंड कॉइल के डील कर तो एम टू वन लिख देते हैं इन टू करंट, और फ्लक्स लिंकेज अभी उसका फार्मूला लिखो, दूसरा वाला फार्मूला ये आएगा देखो, phi 2 n 2, phi is equal to second का लिख रहे हैं, तो n 2 फील्ड किसकी है, पहले की, एरिया क्रॉस सेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा हमें। तो देखो n 2 b 1, यहाँ पे देखो हमने pi r 1 square पहले से ही लिख दिया, बिकॉज एरिया pi r 1 square is taken since मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कन्फाइंड इन द एरिया pi r 1 square ओनली along the length it is negligible, तो ये एरिया में फील्ड लाइन्स आर नॉट मतलब वेरी वेरी नेग्लिजिबल, तो उस एरिया जो है यही रहेगा इसका, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगर लूप, इसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फील्ड लाइन्स यहीं से निकल के आ रही है सर, फील्ड लाइन्स आर कन्फाइंड टू एरिया पाई आर वन स्क्वायर इन दिस केस ऑल्सो, बस पुट कर दो यहाँ पर n2 will be n2 into l, ये 1 meter length क्या है, तो length is l, यहाँ field की value put कर दी, यहाँ पे pi r n square, इधर इसका इस यहाँ पे put कर दो now m21 into i, i cancel हो जाएगा यहाँ से, m21 बचेगा, same आएगा देखो, इसका मतलब m21 is equal to m12, दोनों same है, तो simply हम m लिख सकते हैं, तो mutual inductance between two coils is same whether you take the current in one or you take the current in two, kitna hai easy to remember, abhi tumhe formula hi mein agar yaad recall karna hai to self inductance wale formula se recall kar, only thing area kiska aayega, inner coil ka, inner solenoid ka, you can see more yahan pe dekho, देख लो उसको, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो फ्लक्स के फार्मूला लिखते हम लोग, फाइ इज इक्वल टू एल आई या एम आई, और दूसरा फार्मूला फाइ इज इक्वल टू एन बी ए, तो बोथ द डेरिवेशंस आर डन बाय दिस फार्मूला, फ्लक्स के दो फार्मूले को इक्वेट करके, anything you want to clarify here,
बोलिए, डन, नो प्रॉब्लम। सर इसमें अगर ये डिराइव करने पूछा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा? डिपेंड अपॉन द मार्क्स, अगर 3 मार्क्स में पूछ रहे तो M1 2 पे क्लोज कर सकते हैं, उसमें ऐसा लिख के कि भाई इफ इट रिवर्स द करंट, इफ इट टेक द करंट इन फर्स्ट, अगर इफ इट इज अप 5 मार्क्स तो पूरा एंड तक लिखना पड़ेगा, ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। M2 1 भी सेम। ओके ओके सर। वन के लिए करें तो M12, और सेकंड के लिए कर रहे हैं प्लस तो M21 लिखने हैं, और बोथ आर इक्वल। नाउ जनरली ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि सॉलिड एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक का, बोथ प्लेसेस नीट एंड जेई एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी है, दिस वन। यस, वही फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू एम आई इज इक्वल टू एन बी ए। नंबर ऑफ टर्न्स जो है, सिंगल टर्न दिया है तो N1 हो जाएगा। तो ये ट्राई कर लो होमवर्क में विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, जस्ट ट्राई योर सेल्फ। और एक ही केस है इसमें, बस करंट इज इन आउटर वन एंड फ्लक्स इज बड़ा, ये R2 बड़ा रेडियस है और ये छोटा रेडियस है R1। तो R1 इज मच स्मॉलर देन R2, तो फील्ड सेंटर पे जो कॉइल की होती है वो यूनिफॉर्म ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, फील्ड यूनिफॉर्म ले सकते हैं अगर रेडियस R1 इज मच स्मॉलर देन R2, तो बड़े कॉइल का फील्ड सेंटर में लिखना पड़ेगा, है ना, विच कैन बी टेकन यूनिफॉर्म बिकॉज रेडियस ऑफ द स्मॉलर टर्न इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू बिग बिग सर्कुलर लूप। तो वो लॉजिक से फील्ड हम यूनिफॉर्म ले सकते हैं, एंड फ्लक्स के दोनों में प्लस के दोनों फॉर्मूले लिख के इक्वेट करके आ जाएगा। दिस हैज बीन बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द वेरियस एग्जामिनेशन। ये कंप्लीट करो, डू योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस। 9th है सॉल्व एग्जांपल। ऑलराइट, तो दिस यू डू कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ ये क्वेश्चन एक दिख रहा है मुझे, कैसे करेंगे। चलो फर्स्ट पार्ट के बारे में बताइए, है तो एनसीईआरटी बुक का, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, बोर्ड के लिए भी यू कैन जस्ट डू इट, अपनी टेक्स्ट बुक का कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट एंड टेल मी हाउ टू डू इट। लेट मी क्लीन इट अप। फर्स्ट पार्ट बता दीजिए, फिर हम सेकेंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए शोन म्यूचुअल। फिर से दो फार्मूले बनाने पड़ेंगे, तो फाइल इक्वल टू एम आई विच इज इक्वल टू एन बी एस, कॉस थीटा भी आता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉस थीटा 1 हो जाता है ना। यहाँ भी 1 हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी 1, नंबर ऑफ टर्न्स भी 1 है, तो बी ए ही बचा बस, है ना। तो फाइ इज इक्वल टू एम आई विच इज बी ए ओनली, ए बी आर बी ए जो भी पढ़ो उसको सीखने में। तो बी कितना लेंगे, बी किसका होगा, इसका वायर का होगा, एरिया तो ठीक है ए स्क्वायर हो सकता है एरिया, करंट कैंसिल हो जाएगा ना, करंट इसमें
इसमें फ्लक्स कितना होगा, एम आई, इसी का करंट रहता है और फील्ड में भी इसका करंट आएगा, तो करंट तो कैंसिल ही हो जाता है एक्चुअली, है ना। बोलिए हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। पहले मूव नहीं कर रहा, पहले वो रेस्ट पर ही है, फर्स्ट केस में रेस्ट पर लेना है, मतलब डिस्टेंस जो दिए उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा निकालना है। इवन इफ इट इज मूविंग आल्सो, इस मोमेंट पे कितना एम है वो हमें मिल जाएगा। बाद में मूविंग का रोल है सेकंड पार्ट में कि इंड्यूस ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। आ रहा है कुछ आंसर, बोलो फटाफट बोलते जाओ, कैसे करेंगे। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट। अरे देर तुमने हो लाइन पर कि नहीं? यस सर। बताओ कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन किया तो है हम लोगों ने ऑलरेडी, नहीं किया क्या? ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन यू नो, फ्लक्स निकला हुआ है ऑलरेडी हमने, तो फाइव इक्वल टू एम आई, एम इज इक्वल टू फाइव बाय आई, तो फ्लक्स निकाला था हमने पहले दिन, उसमें से करंट निकाल दो, आई कैंसिल कर दो तो हमें एम मिल जाएगा। देखो कैसे निकाला था फ्लक्स। अच्छा देखो नहीं, पहले मुझे बताओ कैसे निकाला था फ्लक्स, कैसे निकालेंगे ये तो बता दो। रिवाइज नहीं करते तुम लोग, फर्स्ट डेट सेल्फ वी डेट, जब हमने एम आई ई एम आई स्टार्ट किया था उसी दिन क्वेश्चन किया था, उस दिन दिया था होमवर्क में, नेक्स्ट डे किया था डिस्कस, समझा कैसे किया था बोलो। नोबडी रिमेम्बर्स, यहाँ पर वेरिएबल फील्ड है, तो वेरिएबल फील्ड के लिए फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइ इज इक्वल टू एन बी ए होता है, एन छोड़ दो बी, बी ए, तो बी वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बी डी ए करना पड़ेगा। यहाँ पर एलिमेंट्री रिंग ले लिया, एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली, एट डिस्टेंस आर, इसको डी आर लिखा, फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी आर इंटू ए इंटू डी आर, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, फर्स्ट एंड बाहर आ जाएंगे, वन बाई आर डी आर, लिमिट क्या होगी, नियरेस्ट डिस्टेंस इज एक्स, फार्दर डिस्टेंस इज एक्स प्लस ए, बस इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, ये वाला रियल मिलेगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन जब किया, वन बाई आर का लॉग आ रहा था, ठीक है, तो ऑलरेडी इट वाज डन, बस वहां पे हम लोगों ने ये डिस्टेंस ए ली थी, ये बी ली थी, ऐसा कुछ, तो अपर लिमिट में मतलब ए प्लस बी था, यहाँ पे अपर लिमिट में एक्स प्लस ए हो जाएगा, ऐसा आएगा एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया था, इन्होंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर x बाई एक्स वन हो गया, x प्लस ए बाई एक्स आएगा ब्लैक में, उसको ब्रेक करके लिख दिया, तो ये डू योर सेल्फ नाउ, सेल्फ इंडक्टर फ्लक्स का जो है m विल बी फाइव बाई आई, फाइव निकला हुआ है हमने पहले दे दी, फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट टेक द हेल्प और i कैंसिल हो जाएगा इसमें। व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट, बोलो सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे। बोलो एम से इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आई आ जाएगा तो ये फ्लक्स आ जाएगा,
सेकंड पार्ट निकाल सकते हैं इससे, देखो ये देखो माइनस d5 by dt है यहाँ तो, लेकिन x है, कैसे इंटीग्रेट कैसे डिफरेंशिएट करें फिर? आता डिफरेंशिएट करना है इसको, ये टर्म को डिफरेंशिएट ही तो करना है, करंट से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स बन जाएगा, या फिर ऐसे कर लो इक्वल टू माइनस d5 by dt होता है, तो फाई इक्वल टू mi, वही बात है ना जो मैंने बोला, करंट से मल्टीप्लाई कर दो फ्लक्स बन जाएगा, m ये निकाला है तो ये सब बाहर आ जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बोलो, somebody can tell me, मैं स्टूडेंट, d/dt किसका इंटीग्रेशन करना है? चलो यहाँ पे लिखता हूँ d/dt, कॉन्स्टेंट सब बाहर निकाल लिए, ln a, ओके ln 1 प्लस a by x, बोलो क्या इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्विक आंसर। अरे देर तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? यस सर। बोलो फिर, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो d/dx कर लो, ln a प्लस a बाय x, और इधर dx/dt, अब ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बैलेंस है कि नहीं? देखो ऊपर में dx से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और इधर dt को आगे शिफ्ट कर दिया, इसका भी हो जाएगा 1/x का log x कितना होता है 1/x। यस सर। तो ये a अपॉन a, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, 1 प्लस a बाय x है ना, और चेन रूल से करना पड़ेगा, 1 प्लस a बाय x, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस a बाय x, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको भी करना पड़ता है, 1 का 0 हो गया, और a बाय x का क्या आएगा, माइनस a बाय x स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, dx/dt को v, v एक कांस्टेंट दिया हुआ है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, v की वैल्यू दी है, देखो यहाँ पर दिख रहा है 10 meter per second, बस अभी वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखो मैंने कैसे किया था, ये किया क्या, हाँ देखो एक और मेथड होता है इसका, इजी मेथड भी बता देता हूँ, हाउ टू टैकल द इजी मेथड, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, ए को आगे शिफ्ट करें, ओके ठीक है, ये ऐसे है माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर इंटू बी, अभी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये इंड्यूस ई एम एफ हो जाएगा, क्या निश्चित बी पार्ट, अगर ये नहीं आ रहा समझ में, चलो अगर तुम्हें somebody is finding difficulty in this, तो ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड इसका ये है, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा है बट यू कैन मैनेज इट, देखो अल्टरनेट मेथड इज दिस, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था कैसे करना है, तो वो अल्टरनेट मेथड ये है, यहां पर इस वाले एंड इस वाले व्हाट इज कॉल्ड एच पर डिस्टेंस आर वन ले लो, जो भी दिया ए दिया हुआ है, डिस्टेंस ए दिया है, तो वो आर वन, थोड़ी देर के लिए जनरल टर्म्स में बात करते हैं, आर वन यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, बी वन होगी, है ना, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, b1l into v, और ये वाले पे डिस्टेंस आर टू ले लो, तो यहाँ इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, b2lv, और क्योंकि इधर ही जा रहे दोनों में क्या होगा, ये वाले एंड पॉजिटिव होगा, अभी इसका ये इसका करंट इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, दोनों अपोज कर रहे हैं, बट ये इंड्यूस ईएमएफ हो रहे हैं, बट दे आर अपोजिंग ईच अदर, बट वन इज मोर, ये वाला नियर बाय में मोर है, तो बी वन इज मोर, बी वन कितना होगा, फील्ड कितनी होती है, इनफाइनाइट ब्रैकेट की म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, 2π कॉमन ले लिया, एल वी भी कॉमन ले लिया, म्यू नॉट आई भी, ब्रैकेट में 1/r1 - 1 लिया,
आर वन आपका दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 0.2 दी है और ये डिस्टेंस 0.3, यहाँ पे डिस्टेंसेस भी दी हुई है देखो, तो ये डिस्टेंस 0.2 हो जाएगी, इसमें 1.1 ऐड हो जाएगी यहाँ पर, तो इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं करना, डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक। तो दिस इज अदर मेथड टू गेट द NDO-CMM विदाउट डिफरेंशिएटिंग। ये दोनों देखो मेथड है, अभी सबकी वैल्यू पुट करके देखने आ रहा है, जस्ट यू कैन टेक द शॉर्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट के लिए। दो मेथड मैंने बता दिए, एक डिफरेंशिएशन वाला, एक विदाउट डिफरेंशिएशन लॉजिक वाला, इमोशनल EMF से भी कर सकते हैं। यू सी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन JEE एंड ऑल, नीट में देखना पड़ेगा आया कि नहीं आया, बोर्ड के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, वी विल कंटिन्यू टुमारो फर्दर टॉपिक्स। लास्ट टॉपिक शायद बचा जनरेटर, देन वी कैन स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट टुमारो इटसेल्फ, वेरी इंटरेस्टिंग। एनीथिंग यू वांट टू ask here?